हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवी क्लासेस। आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब एक कस्टमर मार्केट में जाता है तो उसे जो भी वो इनकम खर्च करने वाला है उससे कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो ले सकता है। यानी कि जब मैं अपनी इनकम को मार्केट में इस तरीके से खर्च करता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Right, so consumer equilibrium is the level of maximum satisfaction within the given income. उस level पर पहुंचने के बाद customer ना तो पीछे move करना चाहेगा ना आगे जाना चाहेगा, because उस level पर सारी income खर्च करने के बाद he is getting maximum level of satisfaction. That is why that level is known as consumer equilibrium. It is also known as point of balance or state of balance. Right? चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जज करने की दो अप्रोचेस होती है। एक को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को जानते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी, जिसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक सिंगल कम्युनिटी अप्रोच, एक होती है डबल कम्युनिटी अप्रोच। सिमिलरली ऑर्डिनल के अंदर भी टॉक अबाउट इंडिफरेंस का अप्रोच। कार्डिनल और ऑर्डिनल के डिफरेंसेस को और अच्छे समझने के लिए देयर इज अ वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं और कार्डिनल और ऑर्डिनल के डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर सिंगल कम्युनिटी अप्रोच के बारे में। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपनी सिंगल कम्युनिटी अप्रोच क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी अप्रोच विच कम्स अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जब मार्केट में एज अ कंज्यूमर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए निकलते हैं तो कस्टमर क्या करता है, बेसिकली वो देखता है कि वो कितना प्राइस पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है। मैं कोई भी प्रोडक्ट तब तक कंज्यूम करता रहता हूं जब तक जितना प्राइस आप पे कर रहे हो वो कम है और जबकि आपको सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है ना, ऐसा ही होता है हम सबके साथ। बट अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, जो प्राइस है वो तो है मनी की फॉर्म में जबकि जो यूटिलिटी है वो है यूटिल्स की फॉर्म में, यानी कि दोनों का कंपैरिजन वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला विच इज MUX बाय MUM। अब MUM क्या चीज होती है, MUM इज कि वर्थ ऑफ अ रूपी, यानी कि जब आप एक रुपया मार्केट में खर्च करने जाते हो तो एक रुपए से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा, एक रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी होगी वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग होती है। आपके लिए हो सकता है वो 10 यूटिल्स, मेरे लिए हो सकता है 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो MUM की जो वैल्यू होती है वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग होती है। मैंने अपने एग्जाम्पल में अज्यूम कराया है 1 रुपी इज इक्वल टू 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करता हूं तो मुझे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। फाइन, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने क्या करा, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को जो कि पहले यूटिल्स की फॉर्म में थी उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी कंडीशन कैन बी प्रेजेंटेड हियर ओनली MUX बाय MUM, मतलब कि यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द एक्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो जहां पर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर हो जाएगा वो कस्टमर का इक्विलिब्रियम लेवल होगा। आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं MUX इज इक्वल टू PX, यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड, जहां पर दोनों बराबर वहां पर मेरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉलम में आई हैव टेकन यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन आई हैव टेकन यूटिलिटी। देखिए, जब आपने अपना कंजम्पशन बढ़ाया, पहली यूनिट आपने कंज्यूम करी, आपको मिल रहा है 32 यूटिलिटीज का सेटिस्फेक्शन जब वो प्रोडक्ट आपने कंज्यूम करा मार्केट में से। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ कप ऑफ टी, एक कप कॉफी पी, एक कप टी आपने पी जो कि 5 रुपए की, आर टेकन प्राइस इज 5 एंड प्राइस आपने कांस्टेंट माना है मार्केट में, क्योंकि आप पहला कप पियो, आप सेकंड कप पियो, थर्ड कप पियो, जो शॉपकीपर है वो तो आपको सेम रेट पर देगा उस चाय का कप, राइट। सो प्राइस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो जब मैंने पहला कप ऑफ टी पिया, चाय भी मैंने पहले ही, तो मुझे 32 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब ये यूटिल्स की फॉर्म में है, मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले के थ्रू MUM वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड 4 यूटिल्स, तो मैंने 32 को 4 से डिवाइड करा, 8, यानी कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो 8 रुपीज के बराबर हो गई।
मैंने सेटिस्फेक्शन को मनी में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द प्राइस आई एम पेइंग इज 5, सो 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है जबकि प्राइस मैं कम पे कर रहा हूं. फिर कस्टमर ने क्या करा, सेकेंड यूनिट ऑफ टीपी, यानी कि सेकेंड दूसरा कप ऑफ चाय उसने पिया. दूसरा जब उसने कप पिया तो उससे सेटिस्फेक्शन मिली 28 यूटिल्स. अब सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले कम हो गई है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फिर हमने इसको भी मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करा, इट कम्स आउट टू बी 7 बट द प्राइस इज 5. अगेन 7 रुपए ज्यादा है 5 रुपए से, मतलब कि 7 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे जबकि मैं पैसे लेकर आऊं सिर्फ 5. तो मैंने सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाया, थर्ड यूनिट पे आया मैं तो 6, 5, यानी कि अभी भी मुझे 6 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जबकि पैसे में दे रहा हूं सिर्फ 5. कस्टमर ने एक और यूनिट कंज्यूम करी 4. जब उसने 4 यूनिट कंज्यूम करी तो उसको यूटिल्स मिली 20, इसको मनी में कन्वर्ट किया, बिकेम 5. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब 5 और 5 नंबर बराबर हो गए, यानी कि आपने 5 रुपए मार्केट में पे किए और उस 5 रुपए के बराबर ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई. सो यहां पर कस्टमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यही था, जितना प्राइस आप पे करोगे उसके वर्थ के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आगे इसमें आगे चलते हैं. अगर कस्टमर 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो यहां पर क्या हुआ, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिली इट वॉज 16, उसको मनी में कन्वर्ट किया, बिकम्स 4. तो यहां पर 5 रुपए पे करने के बाद उसको सिर्फ जो सेटिस्फेक्शन है वो 4 रुपए के बराबर मिल रही है, तो आप कस्टमर को नुकसान हो रहा है. तो कस्टमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन कम करेगा, ही विल गो बैक. यानी कि अल्टीमेटली एज पर दिस टेबल, जब ये कस्टमर 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तब उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा. इसी को एक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. ये लाइन है जो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है प्राइस ऑफ एक्स, बिकॉज हमने प्राइस अज्यूम किया है मार्केट में कॉन्स्टेंट. ये लाइन है, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, ये कर्व जो है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमारी लगातार गिरती रहती है, एक लेवल के बाद वो जीरो भी होती है और फिर वो नेगेटिव भी होती है. तो यहां पर आप समझते हैं, यहां पर स्टार्टिंग में जब एमयू गिरनी शुरू हुई, इनिशियल क्या हुआ, एमयू ऊपर है जबकि प्राइस नीचे है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पीएक्स इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. तो कस्टमर ने क्या करा, अपना कंजम्पशन और बढ़ाया क्योंकि यूटिलिटी उसे ज्यादा मिल रही है जबकि प्राइस को कम पे कर रहा है. जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, यहां पर उसकी यूटिलिटी और जितना उसने प्राइस पे करा वो बराबर है, यानी कि जब वो 4 यूनिट्स जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी और उसका प्राइस सेम है, यानी कि यहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली. सिमिलरली अगर वो कंजम्पशन करने और आगे ज्यादा जाएगा, जैसे हमने टेबल में देखा था 5 यूनिट्स होगा, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहां पर जो MUX होगा वो कम हो जाएगा प्राइस के मुकाबले, यानी कि कस्टमर को यहां पर फायदा नहीं होगा. तो अल्टीमेटली एज पर द टेबल एज वेल एज पर द डायग्राम, जब कस्टमर 4 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तब उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल यूटिलिटी में हमने क्या चीज चेक करनी होती है, कि जितनी यूटिलिटी उस कस्टमर को मिल रही है प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, क्या वो उसके प्राइस के बराबर है. जहां पर यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होगी वहां पर कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिएगा इसमें आप, ये पहली कंडीशन होती है एक तरह से, यहां पर एक और कंडीशन लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिमिनिश होती है, दैट इज अनदर कंडीशन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अप्रोच. ठीक है, सो आज हमने अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. वीडियो अगर पसंद आया और समझ में आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में कमेंट भी करने हैं सेक्शन में जाकर आपको. ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा. सी यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स अ लॉट.